कहते हैं ना बापू, वो साल दूसरा था, आज साल दूसरा है। जी हाँ, इंडिया ने 2023 में वर्ल्ड कप हारने की वजह से आंसू बहाया था, उसका बदला गिन गिन करके लिया। तो इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबला जीत लिया और इस बार जो आंसू बहे इंडिया टीम के, वो की खुशी के, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। इम्पॉर्टेंट मैच ये थे कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक कैच पकड़ा पूरा मैच पलट दिया, वो कैच अगर नहीं होता तो शायद मैच ई पर बट का हो जाता। मानो वो कैच नहीं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ा हो सूर्या भाई ने। कमाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। लेकिन हार्दिक पांड्या का भी कोई जवाब नहीं था, कैलाशन को आउट करते ही मैच को अपने तरफ बना लिया। बाकी बुमराह तो अपना है ही भाई, सदा बाहर, कभी भी जरूरत पड़ी तो किसको बुलाना, बुमराह को बुलाना। तो फाइनली हम लोग सभी भारतीयों का सपना पूरा हो गया, रोहित एंड विराट टीम की T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। इस बार हम लोग रोए हैं सभी भारतीय, लेकिन वो भी खुशी के आंसू। विराट कोहली और रोहित शर्मा को हैप्पी रिटायरमेंट। अब ये सबसे बेहतरीन मौका था रिटायरमेंट लेने का, ट्रॉफी जीती है साथ के साथ, उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया अगर या मगर का, सीधे उन्होंने रिटायरमेंट। लेकिन दोनों की कमी तो जरूर खलेगी, कोई भी आएगा तो तुरंत उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन कमी तो खल। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को आगे भी लेके जाना इंडिया को, तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर इंडियन टीम, एंड इंजॉय करो, खुशी बनाओ सारे भारतीय एंड इंडियन टीम, स्पेशली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए।